कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपको हम सप्तम दिवस की पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख देख करके और कहने लगे कि हे मलमास, तुमको क्या कष्ट है। भगवान विष्णु मलमास का अपार दुख देख करके कह करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए, तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी को गुप्त वचन कहे, वह मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को आप मेरे पास में लेकर के आए, क्योंकि ये अपने प्राणों का परित्याग करने जा रहे थे, तो आप इनको हमारे पास में लेकर के आए हैं। आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है, इसमें लोक में आपकी भी महान कीर्ति होगी। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैं भी स्वीकार कर लूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। इसको मैं अपने समान ही करूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों के वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें व्याप्त होंगे। जैसे मैं परलोक में प्रसिद्धि हूँ, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैं इसको भी दे रहा हूँ। जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दिए, यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर के सब मासों का स्वामी भी यही होगा, सभी महीनों का स्वामी भी यही होगा और यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय भी होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश भी ये करेगा जो इस पुरुषोत्तम मास में पूजन भजन ध्यान स्वाध्याय अनुष्ठान करेगा, उसका कल्याण भी होगा। सब नाश इच्छा वाले, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला मैंने बराबर मैंने इसको कहा है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त कर लेगा। अर्थात इस महीने में जो स्वाध्याय भजन पूजन करेगा वो समस्त प्रकार से मेरे को प्राप्त करेगा। हे गरुणध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्तमास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को प्राप्त कर सकेंगे, जो पुरुषोत्तम मास में भजन पूजन स्वाध्याय इत्यादि करेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। इसमें स्वाध्याय भगवत चिंतन करना चाहिए। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, आप एक बीज डालेंगे खेत में तो वो करोड़ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कोटि गुना फल देने वाला होता है। कोई चातुर्मास व्रत यज्ञों के द्वारा स्वर्ग में जाकर के वहाँ के सुखों को भोग कर फिर इस धराधाम पर पृथ्वी पर आते हैं, जो पुरुषोत्तम का आदर से विधिवत सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझे ही प्राप्त कर लेता है। जो महान महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान इत्यादि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरे के भाग्य पर जीने वाले, उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता।
जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे, जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त तीन तीन वर्ष में धर्म का आचरण करते हैं वह कुंभी पाक इत्यादि नरकों में नहीं जाते। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र इत्यादि से बंधन में फंसते हैं और वही अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ते हैं। जिसका ज्ञान मेरे में अप्रिय है, अत्यंत है, अनंत है, पुण्यदान है, पुरुषोत्तम मास बीत गया, उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र प्रदान करूंगा, और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं प्राप्त होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, जिससे भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम से मेरी पूजा की वह धन पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करता है। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसीलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर के बैकुंठ में जाओ। तो प्यारे मित्रों, आज हमने आपको सप्तम दिवस की कथा सुनाई है। आगे की कथा हम आगे सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता।